अर्नेस्ट नारायण नारायण जाप करता रहता हूं। अब देखो उस नाम के प्रभाव से एक दासी का पुत्र देवर्षि ब्रह्मा का पुत्र बन सकता है, तो क्या तुम एक ग्रंथ नहीं लिख सकते? सोए हुए व्यास को जगा दिया देवर्षि नारद ने, यही है संत की महत्ता, यही है ज्ञान की पराकाष्ठा। एक निरज व्यक्ति को भी, एक मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित कर देना, ये ज्ञान की कला है। इसलिए ज्ञान को दग्धा अग्नि माना गया है, जैसे अग्नि में आप कुछ भी डाल दो सब कुछ जल करके राख हो जाता है, वैसे ही ज्ञान के उस प्रकांड तेज में सब कुछ उल्टे सीधे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। चार श्लोक दिए, प्रदान किए और दे करके नारद चले गए। उन्हीं चार श्लोकों का विस्तार किया वेदव्यास ने, भागवत संहिता लिख करके तैयार हो गई। इस कथा को पढ़े कौन, बाचे कौन? और जब तक जन जन में प्रचार नहीं होगा तो भागवत है क्या, भागवत का मतलब क्या है, लोग कैसे पहचानेंगे इसको, कौन बाचे? चारों तरफ वेदव्यास ने दृष्टि घुमाई, कोई इस भागवत का अधिकारी नहीं मिला। इस भागवत कथा को हर कोई नहीं कर सकता, वो तो कलिकाल में लगा हुआ है, जिसको लग रहा है वो करने लग गया है। तो देखा अंतरात्मा से आवाज आई, मेरे पुत्र सुखदेव ने काम क्रोध दोनों को जीता है, वही अधिकारी है। वो आए कैसे, वो तो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में लीन है। तो देखो सुखदेव जैसे वीतराग की समाधि को तोड़ने वाली भी भागवत है, वो तो निर्गुण में लीन थे सुखदेव। जब शिष्यों ने जाकर के इस भागवत के अद्भुत मंगलकारी श्लोक गाए, जहां बैठे हैं सुखदेव, पहला श्लोक गाया, ऐसो को उदार जग माही बिन सेवा जो दीन द्रवई पर श्याम सरस को नाई, ऐसो को उदार जग मान। अहो वकीयम निस्तन काल कूटम जिघांसया पायदपि साध्वी ले शरणं ब्रजे हम। उतना आई थी कृष्ण को किसनों से जहर लगाकर मारने के लिए, उसी विष देने वाली पूतना को भगवान ने कहां भेज दिया, ततो गतिम, वहां भेज दिया जहां नंद रानी यशोदा जाती। एक योगी उस गति को पाए ठीक है, एक ध्यानी एक भक्त उस गति को पाए ठीक है, जहर देने वाली राक्षसी पूतना उसको गति दे दी। इसका मतलब ये परमात्मा कहीं पक्षपात नहीं करता, जो उसकी शरण में उसके सामने आ जाता है, भक्त हो चाहे अभक्त हो, चाहे दानी हो चाहे कंजूस हो, चाहे कोई नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, वो सबका कल्याण कर देता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। आंखें खुली, अरे पूतना राक्षसी को तारने वाला है, ऐसा कृपालु है तो कहां भाई, वो रहता कहां है? द्वितीय मंत्र में बता दिया, वरहा पीरम नटवर वपु करणयो करणकारम ब्रह्मैवास हि कनकि कपिशं वैदयन्तीं च माला रन्धारवेणोरधर सुदया पूणयन गोपवृन्दै वृन्दारम्यं स्वभद्रम्यं
प्राविशद की न तकी। वराहा मुकुटम सुंदर मुकुट पहना हुआ है, पीताम्बरी धारण किए हुए, टेढ़ी तचवन से नटवर बपू करण यो करण कारकम, कनेर के फूल लगा रखे कानों में, टेढ़ी तितवन से वेणु का निनाद करते करते मुकुट पर मोर पंख पहना है, श्याम वर्ण की क्रांति सुंदर अलौकिक छवि, गाय बछड़ों को चराते चराते संकेत सखाओं के साथ में उस ब्रज भिन्नता वृंदावन में वेणु का निनाद करते करते यही गोपाल रमण कर रहा है, विचल कर रहा है, चल रहा है। अप्सराएं कंधर्व अक्सराएं किन्नर देवतागण यक्ष साधु संत वितरागी सन्यासी योगी यति ध्यानी सबकी समाधि खुल जाती है जब जहां से निकल कर जाता है। इस योगी वितरागी सुखदेव की आंखें खुल गईं। अरे अभी बताओ वो गया तो गया, आगे कहां गया? सेवक बोले, चेला बोले, हमको तो गुरुजी ने इतना ही बताया था, सुना दिया, आगे नहीं आता, चलो गुरुजी के पास। दौड़े दौड़े प्रथम बार पिता के पास आ रहे हैं सुखदेव, वेदव्यास के पास। जैसे पिता के चरणों प्रणाम किया, आज आंसू आ गए प्रेम के, धन्य है हे गोविंद। जिस बालक को लाने के लिए मैंने सतत प्रयास किया, आज स्वयं चलकर के मेरे पास आ गया। कहा, पिताजी मैं भागवत सुनना चाहता हूँ। व्यास ने दो अंगुल लगाई, संपूर्ण आत्मज्ञान सुखदेव हृदय में डाल दिया। अब तक तो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में लीन थे, अब सगुण साकार कृष्ण के ध्यान में निमग्न हो गए, आसीन हो गए, खो गए, जाकर समाधिस्थ हो गए। सभी ऋषियों ने कहा, भगवान आप बहुत बढ़िया कथा कह रहे हैं, हमने सुना है यही सुखदेव किसी के द्वारे नहीं जाते। एक बार परीक्षित राजा को 7 दिन में मरने का श्राप लगा और यही सुखदेव वहां चले गए और 7 दिन में ही मोक्ष प्रदान कर दिया, वो कथा हमें सुनाओ ना। यदा मृदे कौरव संजयाना, यदा मृदे कौरव संजयाना, वीरे सतिं विरगतिं गतेषु रकोदरा विद्धिगदाभिमरस भगने रुदंडे धितराष्ट्रपो। कौरव पांडव लोग भाई भाई थे। अब देखो भागवत में महाभारत कथा आ गई, राम कथा भी भागवत में है, जितने भी पुराण हैं, सत्र है, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, चारों वेद, यानी कि कोई ग्रंथ ऐसा, गीता भी है, कोई ग्रंथ ऐसा बचा नहीं जो भागवत में ना आया हो। और जो भागवत में नहीं आया उसकी गिनती ही नहीं है, बोलो जैसे कृष्ण। जो भागवत में समाया है, जो भागवत में सम्मिलित हो गया, उसी की गिनती हुई है। तो भागवत में कोई ऐसा ग्रंथ है ही नहीं जिसका प्रवेश नहीं है, इसलिए कहा गया पुराना नाम तिलकम, पुराणों की तिलक है भागवत। वैष्णव नामम परम धनम, वैष्णवों का धन है भागवत। और साक्षात तेने में मामयी मूर्ति, ये भागवत साक्षात कृष्ण रूप तो है ही है। सूत कहते हैं सोहन का दृश्यो, जमीन के पीछे पांडव और कौरवों में युद्ध छिड़ा है, भगवान ने संधि करने के बहुत प्रयास किए, लेकिन जो घटना घटने वाली होती है उसको कोई नहीं रोक सकता। कौरव पांडवों में युद्ध छिड़ गया, बड़े बड़े वीर मारे गए, अंत में विजय सत्य की होती ही है। संकल्प था द्रौपदी का, जब तक दुर्योधन के रक्त से अपने केसों को नहीं धोऊंगी, केसों को बांध नहीं सकती। भीम और दुर्योधन का युद्ध चल रहा है अंतिम, उस रणभूमि में कितने हाथ कटे पड़े हैं, कितने सिर कटे पड़े हैं बड़े बड़े वीरों का। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन यानी घंटी को जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारा नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए आद्या टीवी, विश्वास आपका, साथ हमारा।